बिस्मिल मैं हूँ मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर एन होटल और फेसबुक पेज सुपर एन होटल। तो ये बना रहे हैं आज हम चिकन कोरमा आलू के साथ दोस्तों। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारे प्याज है ये थोड़े से ब्राउन होंगे, हल्के ब्राउन जब होंगे तो हम इसके अंदर जो टमाटर पड़े हमने टमाटर थोड़े थोड़े काट के टमाटर डाल लेंगे। ये हमारे ब्राउन हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च और सब्ज मिर्च हमने डाली। अब ये हमारे पास लहसुन और अदरक जो है वो पीसी हुई थी, हमने पीस दी थी, तो ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा सा हमारा चिकन कोरमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने वाला है, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। काली मिर्च जो है साबित भी हमने डाली है तकरीबन 10 से 15 दाने, और उसके बाद पीसी भी हमने डाली है। लाल मिर्च का हमने एक ही चम्मच लिया है, और इसमें सल मसाला हमने शान वाला वो भी एक चम्मच लिया है, और सब्ज मिर्च तकरीबन 6 से 7 सब्ज मिर्च हमने डाली है छोटी छोटी ब्रिक ब्रिक काट कर। तो ये देखें हमारा मसाला तैयार होने वाला है। इसके बाद हम इसके अंदर अब चिकन डालेंगे। ये हमारा चिकन आ गया। आलू के जो है वो बड़े बड़े पीसेस हमने किए, इसको दो पीस करेंगे, इसके ये एक पीस के दो टुकड़े करेंगे। तो जब आलू उस वक्त डालेंगे जब हम पानी लगाएंगे, तो जब पानी लगाएंगे तो आलू डालकर पानी लगा लेंगे तो आलू अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुद बखुद इसके अंदर डाल जाएगा। अब थोड़ा सा पानी और भी लगाएंगे इसमें लाइफ पर रखूँ ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह गल जाए। आँच जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाह हम डालेंगे। पाँच से छः मिनट तक इसको पकाएंगे हम। आलू को जो है घी के अंदर मारेंगे, उसके बाद फिर हम इसको पानी लगा लेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वस्सलाम।